इतना डीपली सुन्नते, ये हदीस, कुरान शरीफ और इतना सब कुछ जानने को मिल रहा है कि बहुत स्पेशल हो गया है. एंड ऑनेस्टली इस्लाम इतना खूबसूरत है ना, जितने मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो रहे हैं. बहुत लोगों के दिमाग में इस्लाम को लेकर मिसकंसेप्शन है, बट इस्लाम इज सो ब्यूटीफुल. एक्चुअली ईच एंड एवरी रिलीजन इज ब्यूटीफुल, बट इस्लाम के बारे में जो मिसकंसेप्शन है, जो बुराई फैलाई गई है, मुझे नहीं लगता इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट. और समीर ये बताइए कि जब आपने एक्स मुस्लिम बनने का फैसला अपने परिवार को बताया तो जाहिर सी बात है उनको शौक लगा होगा. मुझे अजीब लग रहा है कि एक शख्स जो इतना कट्टरपंथ की तरफ अग्रसर हो चुका था, इस कदर वो दीन को मानने लगा था, वो अचानक से एक्स मुस्लिम बनने का फैसला ले लेगा. तो जब परिवार को बताया तो क्या हुआ, किस तरह का रिएक्शन था, उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की, घर से निकाल दिया, अलग कर दिया, क्या हुआ आपके साथ? उससे कुछ सवाल हैं आपके, आप कहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि न्यूज़ नेशन के माध्यम से, हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जरा वो सवाल तो आप उठाएं जिनके बनस्बत आपको इस्लाम जो है उसमें कमियां नजर आती हैं. कुछ सवाल आप कह रहे हैं जब आपके सवालों के जवाब नहीं मिले, जब आपको इस्लाम इंसानियत के खिलाफ जाता हुआ, महिलाओं के खिलाफ जाता हुआ नजर आया, तो आपने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया, तो ऐसे वो कौन से सवाल आते हैं? अगर आप 4, 5, 6 जितने भी आपके मन के सवाल आते हैं अगर आप यहां रखना चाहें, जिनके जवाब आप तलाशना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर उनके जवाब मिल गए तो इस्लाम आप वापस कबूल लेंगे, हम भी कहते हैं कि शायद ये सवाल आपने सुनकर अगर कोई भी स्कॉलर जवाब देना चाहेगा तो उसके सामने आमने आप बैठाकर हम आप दोनों को बहस कराएंगे. जय हिंद, वंदे मातरम. दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें एक्स मुस्लिम समीर की दास्तान आप सुनेंगे और किस तरह से इन्होंने जो है वो इस्लाम को छोड़ा और क्या इनके वो सारे सवालात थे जब ये तबलीग करते थे और इतने कोर उसमें थे और सबसे कट्टर, ये कहते हैं कि मैं सबसे कट्टर मुसलमान था, लेकिन क्या ऐसी चीज़ रही कि इसकी वजह से इन्होंने जो है वो इस्लाम को छोड़ दिया. इतनी तबलीग करने के बावजूद भी इनके जो सवालों के जवाब जो थे उनको कैसे मिले और क्या सारी कहानी थी, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी. तो एक्स मुस्लिम समीर का ये वीडियो हर किसी के लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. दोस्तों बिना कुछ देर के हुए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं अपने व्यू, अपने विचार ज़रूर बताऊँगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. और हमारे साथ यहाँ पर एक्स मुस्लिम समीर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं. समीर आपका स्वागत है, क्या कहता है इस्लाम हमारे शो में. सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने इस्लाम कब तक, आप एक मुसलमान रहे और कब आपने ये तय किया कि बस अब और नहीं, कब आपका मोह भंग होना शुरू हुआ इस्लाम से? जी भूमि, मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा पहले ताकि समझ में आ जाए. मैं एक्चुअली एक सुन्नी फैमिली के अंदर पैदा हुआ और जब मैं 7th या 8th क्लास में था तब तक मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह था. उसके बाद मैं तबलीगी जमात से जुड़ा और ज़िंदगी की 18 साल मैंने तबलीगी जमात के अंदर गुजारे. इस दौरान मैंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा और स्क्रिप्चर को पढ़ा, अहादीसों को पढ़ा, बहुत सारी डिफरेंट मैंने किताबों को पढ़ा और मैंने इस्लाम की मालूमात इसलिए इकट्ठी करना चाहा कि मैं इस्लाम को और डीपली समझ करके उसको आगे प्रोपोगेट करूं, लोगों को उसकी तबलीग करूं और लोगों को कन्वर्ट करा सकूं इस्लाम के अंदर. या जो इस्लाम के प्रचारक बनना चाहते थे और कन्वर्ट कराना चाहते थे लोगों को, आप इस हद तक आपको इस्लाम पसंद था? जी एग्जैक्टली, इवन तबलीगी जमात के अंदर हमें प्रोपोगेट ही करना होता है इस्लाम को, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के बीच प्रोपोगेट करते हैं. मैं ये चाहता था कि मैं इस्लाम को इतना डीपली समझूं और उसको पढ़ूं ताकि मैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुस्लिम्स हैं, उनको भी मैं इस्लाम के और दीन की दावत दे पाऊं. इसके लिए मैंने किताबों का मुताला किया, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के हमारे समाज के साथ मेल नहीं खाती. और किताब को पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि ये किसी खाली के कायनात की तरफ से नहीं हो सकता जो लोगों को दो हिस्सों में बांटता है, एक मुस्लिम्स और एक नॉन मुस्लिम्स. और इसी के ऊपर मेरे कॉन्ट्रडिक्शन इकट्ठे होते गए और फिर उसके बाद मैंने इसके लिए जो है छानबीन की. मैंने दीन के जो आलिम है, मौलाना मुफ्ती हैं, उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया, अपने सवालों के जवाब तलब किए. जब मुझे कोई जवाब नहीं मिले और मैं श्योर हो गया कि ये इसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने पढ़ा और समझा है, तब जाकर के मैंने इस्लाम को छोड़ दिया 2018 में. नहीं, कैसे सवाल थे जो मन में आए कि क्या क्या सवाल थे आपके जो ज़हन में? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि जो ईमान वाले नहीं हैं उनके साथ जंग करो, उनको मारो या फिर उनसे जिज़िया लो. अगर ये सारे काम नहीं करते तो उनके साथ जंग करो और अगर वो मारे जाएं तो उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो तुम्हारे हिस्से में आए, तुम्हारे कब्ज़े में आए, वो सब तुम्हारी गुलाम लौंडियाँ, तुम उनके साथ जो है मुबाशरत यानी कि सेक्स कर सकते हो बिना शादी के और उनको मार्केट में ले जा करके बेच भी सकते हो. तो ये तमाम चीज़ें आपने पूछी. मुझे लगा कि एक ऐसा खुदा जिसने सारी दुनिया को बनाया है और जो सारी दुनिया का खालिक है, वो क्यों अपनी एक खास बंदों को ये हुक्म करेगा कि तुम मेरे दूसरे बंदों के साथ जंग करो और उनकी माँ बहन बेटियों के साथ तुम ऐसा करो. सब लिखा हुआ है आप कह रहे हैं. एग्जैक्टली, मैं हवाला दे रहा हूँ सूरह अल मोमिनून सूरह नंबर 23 आया नंबर 5 और 6 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि खुद कुरान और खुद स्क्रिप्चर इसको अलाउ कर रहा है कि आप दूसरे की माँ बहन बेटियों को बंधक बनाकर उनको सेक्स स्लेव बना सकते हो और उनके साथ बिना शादी बिना निकाह के आप मुबाशरत कर सकते हो और इसमें कुछ भी गलत नहीं है. किस उम्र में आपने तय किया कि भाई
अब नहीं है, मतलब आपने क्या मॉडर्न तालीम भी हासिल की है? थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपके परिवार में कौन लोग हैं, अगर आप मुनासिब समझें, क्योंकि आपको जान का भी खतरा आप कहते हैं आपको रहता है, आपको धमकियां मिलती रहती हैं, अगर मुनासिब समझें तो थोड़ा अपने परिवार के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें, और फिर किस वक्त किस उम्र में आपको लगा कि बस अब नहीं, और जब आपने अपने परिवार को बताया कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूं, तो क्या रिएक्शन था, जरा अगर वो पूरी कहानी हमारे दर्शकों को भी बता सकें कि आखिर एक सच्चा मुसलमान समीर कैसे एक्स मुस्लिम बन गया? जी, मैं इन शॉर्ट बताना चाहूंगा आपको। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक सुन्नी परिवार के अंदर पैदा हुआ, मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्ट और रैशनल टाइप की फैमिली है, बहुत ज़्यादा इंटू नहीं है मज़हब या दीन के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा रैशनल लोग हैं। मेरी फैमिली ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया दीन को ज़्यादा फॉलो करने के लिए, ये सब करने के लिए, मेरी अपनी खुशी से मैं तबलीगी जमात में, हाँ स्टार्ट में मुझे इन्फ्लुएंस किया गया तबलीगी जमात के द्वारा कि मैं जाऊँ उससे जुड़ूँ, और जब मैं जुड़ा तो मैंने अपनी खुशी से मैं दीन के अंदर इंटू हुआ, और इतना ज़्यादा इंटू हुआ कि मैं अपने घर वालों को परेशान करता था कि आप टीवी नहीं देख सकते, आप बिना दुपट्टा आप घर में भी नहीं रह सकते, आप दरवाजे पे नहीं जा सकते, घर की जो वूमन थी मैं उनको परेशान करता था, घर की चीज़ें तोड़ देना, टीवी तोड़ देना, कोई मोबाइल में मूवी देख रहा है गाना सुन रहा है उसको तोड़ देना, इतना ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल का मैं मोमिन था कि मेरे सामने कोई मूवी नहीं देख सकता, टीवी नहीं चला सकता, रेडियो नहीं सुन सकता, गाने नहीं सुन सकता। इसके अलावा जो दो लोग मेरे कांटेक्ट में थे, हालांकि मुझे इसका आज तक अफसोस होता है कि दो नॉन मुस्लिम लोग मेरे कांटेक्ट में थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उनको मैंने दीन की दावत दी और उनको मैंने नॉन मुस्लिम यानी कि सनातन से इस्लाम में कन्वर्ट भी किया था। इस लेवल पे मैं प्रोपोगेट करता था तबलीगी जमात में रहकर के इस्लाम को। लेकिन जब मैं 7th क्लास में था और मैं तबलीगी जमात से जुड़ा तो वहाँ से सब कुछ ठीक चल रहा था 2014 तक, जबकि मुझे तकरीबन 14 साल तबलीगी जमात में जुड़े हुए हो चुके थे, तो वहाँ तक सब ठीक चल रहा था। उसके बाद एतराजात आने शुरू हो गए मेरे सामने, जब मैंने आगे एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू किया और किताबों को मैंने पढ़ा तो ये सारे एतराज, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो गई, क्योंकि तबलीगी जमात में कोई भी आज तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो लोगों को ये बताता हो कि ये जो सेक्स स्लेव हैं ये एक्चुअली घर का काम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस काम के लिए हैं कि उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाएगा, हैरेस किया जाएगा, उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हमेशा हर एक तबलीगी जमात वाला हर एक नए मुसलमान को जो उससे जुड़ता है यही बताता है कि ये यानी कि नौकर हैं, ये घर की काम करने वाली नौकरानियां जैसे कि हमारे घर में होती हैं उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। बट जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी अपने बिहाफ से और मैंने रिसर्च किया था, मुझे पता चला कि एक्चुअली ये है क्या, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक ऐसा दीन, एक ऐसा मजहब जो अपने आप को अमन अमन की बात करता है, जो कहता है कि वो वुमन को इक्वली राइट्स देता है और वो उनकी इज्जत करता है, ये इस तरीके से इज्जत करता है उनकी कि उनको एक इस्तेमाल की चीज़ बनाकर, ये सारे सवाल लेकर के और भी बहुत सारे बहुत सारे एतराजात थे जिनको लेकर के मैं इन उलमा और इन मुफ्तियों के पास गया, बट किसी ने भी मेरे सवालों का सर्टिफाइड जवाब नहीं दिया। और जब 2018 आ गया, 4 साल में इसी कशमकश में रहा कि ये है क्या, 2018 आने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले, तो मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। जो आपको गलतियां लगती हैं, जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं, उनको आपको एजुकेट करना चाहते हैं। समीर, ये बताइए कि जब आपने एक्स मुस्लिम बनने का फैसला अपने परिवार को बताया तो जाहिर सी बात है उनको शौक लगा होगा। मुझे अजीब लग रहा है कि एक शख्स जो इतना कट्टरपंथ की तरफ अग्रसर हो चुका था, इस कदर वो दीन को मानने लगा था, वो अचानक से एक्स मुस्लिम बनने का फैसला ले लेगा। तो जब परिवार को बताया तो क्या हुआ, किस तरह का रिएक्शन था, उन्होंने समझाने बुझाने की कोशिश की, घर से निकाल दिया, अलग कर दिया, क्या हुआ आपके साथ और कौन कौन था परिवार में, किसी ने अभी रिश्ते रखे हुए हैं या आपको सबने अलग कर दिया? जी, अभी जैसे कि आपने कहा है कि अचानक से एक बदल गया, तो मैं इस बात से आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अचानक से नहीं बदला हूं। कोई भी इंसान जो अपने दीन या अपने मजहब के अंदर इतना ज्यादा इंटू हो वो अचानक से एक दिन में नहीं निकल सकता कि वो रात को मुस्लिम सोए और सुबह एक्स मुस्लिम उठे, ऐसा नहीं होता है, एक बहुत लॉन्ग पीरियड होता है। मेरे साथ भी ये लॉन्ग पीरियड जो है तकरीबन 4 से 5 साल का रहा, 4 से 5 साल मैं इसी की रिसर्च करता रहा कि आखिर कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जैसा मुझे समझ में आ रहा है, मैं इस पर रिसर्च करता रहा, और एट द एंड जब मुझे समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा मैंने पढ़ा और समझा है, तब जाकर के मैंने इस्लाम को बड़ी ही मायूसी के साथ छोड़ा, स्टॉप कर दिया फॉलो करना। तो जब मैंने इसको स्टॉप किया तो मैं मेरे घर वालों के साथ आर्ग्यूमेंट करता था, उनको बताता था कि ये चीज़ इस्लाम के अंदर है, ये मुझे सही नहीं लगती, इसका जवाब मुझे लोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने नमाज़ें पढ़ना, सबसे पहले मैंने नमाज़ें पढ़ना बंद किया, फिर मैंने रोज़े रखना बंद कर दिया, तबलीगी जमात में जाना बंद कर दिया। तो तबलीगी जमात के जो मेरे साथी थे वो मेरे पास आते थे कि आप नमाज़ में नहीं आते, आप तबलीग में नहीं जाते, क्या मसला है? मैं उनको मेरे सवाल देता था कि मेरे ये सवाल है, इनका आप जवाब दे दें, मैं चलूँगा, मैं नमाज़ पढ़ूंगा, मैं तबलीग में चलूँगा, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे जो एतराज़ हैं उनका जवाब दें। तो मेरे घर वालों को ये पता था लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि मैंने कन्फर्म इस्लाम को छोड़ दिया है। धमकियां मिली, इशारों में कहा? जी, इवन मेरी फैमिली के ऊपर मेरे कुछ रिश्तेदारों ने इस तरह की बात की कि आपको इसको मार देना चाहिए क्योंकि इस तरह की बात कर रहा है दीन के खिलाफ। तो मेरे फैमिली वालों ने ये कहा कि आप इसको, और ये कहा कि अगर आप नहीं मार सकते तो हमें सौंप दें, हम मार देंगे इसको। तो उन्होंने, मेरी फैमिली ने कहा कि आप बिल्कुल मार सकते हैं लेकिन फिर बचेंगे आप भी नहीं, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे इसका केस अभी जा चुका है। तो इस वजह से मेरी फैमिली वालों ने मुझे बोला कि आप घर छोड़ दें, और एट द एंड मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा, आज की डेट में मैं अकेला रहता हूँ। समीर, कभी लगता है कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, अपने माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते नाते छोड़ने पड़ गए इस्लाम छोड़ते के साथ ही? देखिए भूमि मैम, ज़िंदगी में अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ होता है तो आपको डेफिनेटली सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, और ये इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए कि जब जब लोगों ने
एक गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाई है या सच का साथ दिया है तो उनको शुरू में बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, लेकिन सच प्रताड़ित तो किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। तमीर, कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जो हैं, आपने कहीं ना कहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये एक्स मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस्लाम को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है, इस्लाम को खराब साबित करने का प्रोपेगेंडा है, और आप लोगों को बाकायदा फंडिंग होती है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका से लेकर जर्मनी रूस सब जगह ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। जी, लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कि एक इतना इंटू इस मुस्लिम जो दीन के अंदर इतना इंटू हो कि वो दूसरे लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा हो, वो सिर्फ पैसे के लिए या दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए इस्लाम को छोड़ सकता है या इस तरीके का एजेंडा चला सकता है। क्योंकि एक आम मुसलमान जिसको दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर उसके दीन के ऊपर आप उंगली उठाते हैं या उसके मजहब पे आप उंगली उठाते हैं तो वो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मुझ जैसा एक मुस्लिम जो इतना डीपली और एक सबसे ज़्यादा जो मतलब दीन को फॉलो करने में सबसे कट्टर जो एक तबका है तबलीगी जमात, उससे ताल्लुक रखने वाला इंसान किसी प्रोपोगेंडा का शिकार नहीं हो सकता। मेरी अपनी स्टडी है, मेरी अपनी रिसर्च है, और मैं जो भी बात करता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये सब प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, तो अगर मैं ये कहूँ कि स्क्रिप्चर के अंदर ये लिखा हुआ है और मैं पढ़ के बता रहा हूँ स्क्रीन पर रखकर उसको, और मैं ये कहूँ कि इस्लाम की किताबों में ये लिखा हुआ है और ये यहाँ लिखा हुआ है, विद रेफरेंस मैं बात कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, तो इससे इस्लाम किस तरीके से बदनाम हो सकता है? अगर वो चीज़ बताने से इस्लाम बदनाम होता है जो इस्लाम के स्क्रिप्चर में लिखी है, इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर है कि इस्लाम में प्रॉब्लम है, इस्लाम के स्क्रिप्चर में प्रॉब्लम है जिससे वो बदनाम हो रहा है। मैं अपनी तरफ से कोई वर्ड आप अपनी तरफ से कुछ सवाल हैं आपके, आप कहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि न्यूज़ नेशन के माध्यम से, हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जरा वो सवाल तो आप उठाएं जिनके बनस्पत आपको इस्लाम जो है उसमें कमियां नजर आती हैं। कुछ सवाल आप कह रहे हैं जब आपके सवालों के जवाब नहीं मिले, जब आपको इस्लाम इंसानियत के खिलाफ जाता हुआ, महिलाओं के खिलाफ जाता हुआ नजर आया, तो आपने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया, तो ऐसे वो कौन से सवाल हैं, अगर आप 4, 5, 6 जितने भी आपके मन के सवाल हैं अगर आप यहां रखना चाहें, जिनके जवाब आप तलाशना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर उनके जवाब मिल गए तो इस्लाम आप वापस कबूल लेंगे। हम भी कहते हैं कि शायद ये सवाल आपके सुनकर अगर कोई भी स्कॉलर जवाब देना चाहेगा तो उसके सामने आमने आप बैठाकर हम आप दोनों को बहस कराएंगे, तो अपने सवाल अगर एक बार बता सकें जो आपके जहन में आते हैं, जिनके जवाब आप चाहते हैं। मैं मेजर 5 सवाल आपको बताता हूँ जो मेरे मेन है, अगर इन 5 सवालों का भी मुझे कोई सेटिस्फाइड जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम को वापस कबूल कर लूँगा। और ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है मेरे। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सबसे मेन, कि एक खुदा, एक खालिक कायनात जिसने सारी दुनिया को बनाया है, काफिर भी उसी ने बनाया है, मुस्लिम भी उसी ने बनाया है, ज्यूज भी उसी ने बनाया है, क्रिश्चियन भी उसी ने बनाया है, वो अपनी किताब के अंदर ये कहता है कि सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आया नंबर 99, वो कहता है कि अगर अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को ईमान में दाखिल कर दे, तो क्या आप अब भी उन्हें मजबूर करेंगे कि वो जरूर ईमान ले आए? तो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि अल्लाह नहीं चाहता कि सारी दुनिया ईमान में दाखिल हो जाए, अगर वो ऐसा चाहता तो सारी दुनिया ईमान ले आती। फिर अगली आयत यानी कि 100 में कहता है कि और किसी के लिए भी ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो ईमान ले आए बिना मेरी मर्जी के। और हम लोगों के दिलों के ऊपर जो है मलामत डाल देते हैं यानी गंदगी डाल देते हैं, तो यहाँ पे खुदा जो इतनी ताकत रखता है कि सारी दुनिया को एक उम्मत बना दे यानी कि सबको मुसलमान बना दे, वो नहीं बनाता, तो वो फिर किस तरीके से अपनी मुसलमान मुस्लिम कौम को ये हुक्म देगा कि तुम लोगों के साथ जंग करो जब तक वो इस्लाम को भूल ना कर लें? ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता आपको? तो ये कुरान के अंदर मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान के अंदर इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एक जगह कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम अपने दीन पर मैं अपने दीन पर, दूसरी जगह कहता है इनल्लाहि दीनुल्लाहि इस्लाम यानी कि सिर्फ इस्लाम ही दीन है। तो अब कहा जाएगा जो अपने दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, जो मेरे दीन पर है उसका भी दीन इस्लाम, तो दोनों का आना वही है, कॉन्ट्रडिक्शन अगेन। ठीक है, नंबर दूसरा सवाल, नंबर 2 सवाल मेरा ये है कि जो हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं, कुरान स्क्रिप्चर पूरी किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया, पूरी किताब में कहीं नहीं कहता, लेकिन लोगों का ईमान है, लोगों का यकीन है। अब ये ईमान और ये यकीन कहाँ से है जब आप साबित नहीं कर सकते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूँगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर वुमन्स को, औरतों को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उनके पैरों के नीचे जन्नत है ऐसा बताया जाता है, तो वही कुरान उन ये क्यों कहता है और वही किताब वही इस्लाम ये क्यों कहता है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतों को देखा और इसलिए जहन्नम में जाएंगी क्योंकि ये कम अकल हैं, इनके अंदर आधा दिमाग है और इनको पीरियड्स आते हैं, इनको पीरियड्स आते हैं मंथली, इसलिए जहन्नम में जाएंगी। तो जो चीज़ खुद उनको खुदा ने दी है, जो अल्लाह ने दी है उनको चीज़ें, वो उसकी वजह से जहन्नम में डाल दी जाएंगी, तो इतना इतना ज़्यादा जो है उनको दबाता क्यों है इस्लाम? उनको कहता है कि औरतों की अकल आधी, औरतों का जायदाद में हिस्सा आधा, औरतों को अमीर ना बनाओ, जिस कंट्री जिस मुल्क और जिस जगह की बादशाह रूलर एक वुमन होगी वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा, ये सारी बातें आपको स्क्रिप्चर के अंदर मिलेगी। और फिर कहते हैं कि हमने वुमन को बराबर का हिस्सा दिया है और उसको इज्जत दी है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं रख रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कुरान के अंदर पूरी किताब के अंदर
जबकि ये क्लेम किया जाता है कि कुरान जो है वो खुदा का कलाम है, उसकी किताब है, उसकी बात है। पूरी कुरान के अंदर अल्लाह कहीं भी फर्स्ट पर्सन तो छोड़िए, सेकंड पर्सन भी नहीं है, बल्कि थर्ड पर्सन है। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह ही का कलाम है, वही कलाम कर रहा है, तो ये कौन से अल्लाह की बात कर रहा है वो, कि सब तारीफ उसके लिए है। और वो आगे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानी रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिनको तूने कामयाब किया, ना कि उनके रास्ते पर जिनको तूने बर्बाद किया या गुमराह किया। ये कौन सा अल्लाह है जो खुद दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला? तो यहाँ पर अल्लाह थर्ड पर्सन है, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब ये कौन सा खुदा है जो खुद अपनी बात कर रहा है अपनी ही किताब के अंदर? पूरी किताब के अंदर अल्लाह थर्ड पर्सन है, फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं। पांचवा मेरा ये है, अगर कोई ये साबित कर दे कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है तो भी मैं, हाँ सिर्फ चार आयतें कुरान के अंदर ऐसी है जिनमें फर्स्ट पर्सन की तरह बात करता है, और वो भी हमारे लिए नहीं है, पुराना एक किस्सा है, उसके बारे में बता रहा है कि हमने उनसे ये बात की। ठीक है, तो मेरा पांचवा क्वेश्चन सबसे मेन, कि एक खुदा ने जब दुनिया के अंदर हम सबको एक इम्तहान के तौर पर भेजा है, हमारा टेस्ट ले रहा है वो, कि कौन मेरा अच्छा बंदा है, कौन मेरी बात नहीं मानता, शैतान को फॉलो करेगा तो जो मेरी पैरवी करेगा, मुझे मानेगा, मैं उसको जन्नत में डाल दूंगा, और जो शैतान को मानेगा उसको मैं जहन्नम में डाल दूंगा। वो अल्लाह जो ऑल नोइंग है, जिसको सब पता है दुनिया के बनने से पहले भी और दुनिया के खत्म होने के बाद भी, उसको टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? वो तो सब कुछ जानता है, वो क्यों टेस्ट लेना चाहता है? और टेस्ट भी लेना चाहता है तो किस चीज़ के लिए? अच्छाई और बुराई के लिए, जो खुद उसने इंसान के अंदर डाली है। वो एक इंसान का टेस्ट लेता है उसको बुराई की सलाहियत देकर के। अब उसके टेस्ट में अगर वो इंसान उस बुराई का इस्तेमाल करके एक मासूम 4, 5 या 6 साल की बच्ची का रेप करता है और उसे मार डालता है, तो उसका तो टेस्ट हो गया कि वो बुरा इंसान है, उसने शैतान को फॉलो किया, तो ये जहन्नम जाएगा। लेकिन इस टेस्ट में उस बच्ची ने जो अपनी तकलीफें उठाई हैं, उसकी जो जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन? अल्लाह उस इंसान को बुराई की सलाहियत देकर टेस्ट लेने के लिए उस बच्ची को मोहरा बनाता है। ये मेरा सवाल है कि जब खुदा ऑल नोइंग है, सब कुछ जानता है, तो उसको टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो ये एक्स मुस्लिम समीर के सवाल हैं, जो वो कहते हैं इस्लाम का जो भी स्कॉलर इन सवालों के जवाब से उन्हें संतुष्ट कर पाएगा वो एक्स मुस्लिम से फिर से मुस्लिम बन जाएंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और जो समीर ने इतनी सारी चीजें कही हैं, मुझे तो बाकी शॉकिंग है, क्योंकि मैं तो काफी डिबेट सुनता रहता हूं, पर इन्होंने जिस अंदाज में ये बोली ना, मतलब बाकी शॉकिंग था यार। अगर इस्लाम जो कहते हैं कि पीस का मजहब है, शांति का मजहब है, और ये कहते हैं कि औरतों को जो है वो समान अधिकार है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि औरतें आधी अकल की होती हैं, 2 औरतें = 1 पर्सन, तो फिर कहाँ से बराबर नहीं हुआ ना। और दूसरी एक चीज़ और है कि एक मुसलमान औरत 4 पतियों से शादी नहीं कर सकती, लेकिन एक मुसलमान जो है वो 4 बीवियों से शादी कर सकता है, तो फिर वहाँ पे भी समानता नहीं हुई। समानता तो तब होती है ना, ठीक है, 1:1 है, जैसे हिंदुओं में होता है कि एक बीवी है, उसी से शादी करनी है, उसी के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, उसी के साथ क्या 7 जन्मों का साथ होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि नहीं भी मियाँ बीवी की बनती है, मतलब हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, तो तलाक भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है। मैक्सिमम जो सोसाइटी है, जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, उनमें ऐसा होता है कि एक ही बीवी होती है और उसके साथ ही हमें लॉयल होना पड़ता है। आजकल थोड़ा सा मॉडर्न जमाना हो गया, थोड़ा सी चीज़ें मॉरलिटी से हट गई हैं, लेकिन वो अगर हम हटें, आज करवा चौथ होता है, पति भी अपनी पत्नी की केयर करता है, और मैक्सिमम हिंदू है ना वो अपनी बीवी को इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इक्का दुक्का केस अगर होते हैं तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एज ए पूरे पीपल्स ऐसे ही हैं, ठीक है, वो हर समाज में होते हैं, और सामाजिक बुराई एक अलग चीज़ है। किताबों में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है कि हिंदुओं को 4 शादियाँ करनी है, किताबों में ऐसी जो चीज़ें नहीं है, या बल्कि हिंदुओं में तो ऐसा भी हुआ है कि जो द्रौपदी ही थी उसके 5 पति भी हुए हैं, लेकिन इस्लाम तो बाकायदा लिखित रूप में ये बोलता है कि एक जो है बंदा वो 4 बीवियाँ रख सकता है, लेकिन एक अगर मोमिना है वो 4 पति नहीं रख सकती, तो वहाँ पर इक्वलिटी की सवाल ही नहीं हो। दूसरा, लड़ाई हो रही है दो उनमें, और अगर लड़ाई में आप जीत जाते हो सामने वाले से, तो जो सामने वाले की जो बीवियाँ हैं, जो उसकी पत्नियाँ हैं, जो उसकी बेटियाँ हैं, वो सब आपकी माले गनीमत हो गई। ये चीज़ गलत है ना। बेसिकली क्या होता है, आपने युद्ध जीत लिया, अब आपको क्या चाहिए कि सामने जो हैं उनको आप अपनी दौलत ना समझ के उनको फ्रीडम दे दो कि ठीक है भाई, हमने आपके देश पे कब्जा कर लिया है, अब या तो आप हमारी प्रजा बन के रहो, ठीक है, तो बात मानी जा सकती है, ठीक है, आप उनके ऊपर गंदी नज़र नहीं डाल रहे हो। वो होती है मोरालिटी होती है, जो पृथ्वीराज चौहान ने करी, जो मोहम्मद गौरी को 16 की 18 बार उसने छोड़ दिया था, तो वो होती है मोरालिटी। यहाँ से मोहम्मद गौरी की सेना भागती जा रही है और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान
को पता चलता है कि जो मोहम्मद गिरी की सेना जो भाग रही है, सर्दियों का मौसम है, ये तो मर जाएंगे, इनको तो खाना भी नहीं मिलेगा आगे, है ना। तो वो यहाँ से अपने घुड़सवार दौड़ाते हैं कि यार जो बेशक दुश्मन है लेकिन है तो यार इंसान, तो वो यहाँ से दौड़ाते हैं, अपने सैनिकों को रोकते हैं कि भाई उनका पीछा मत करो, उन जाने दो, अदरवाइज़ वो कहीं मर मरा ना जाएं, ठीक है, क्योंकि पीठ पीछे बाहर करते नहीं थे। ये मोरालिटी होती थी, सुबह युद्ध होता था, शाम तक वो क्या करते थे, एक टाइम पीरियड डिसाइड करते थे कि ठीक है युद्ध के मैदान में युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र का युद्ध सबको पता है यार, सारी दुनिया जानती है, मतलब है ना कैसे युद्ध होते थे। सुबह शंख बजता था, युद्ध स्टार्ट होता था, शाम को शंख बजता था, सूरज अस्त होते, युद्ध खत्म हो जाता था। रात को दोनों दुश्मन सेनाएं अपने अपने सैनिकों को मरहम पट्टी करती थी, रात में कोई हमले नहीं होते थे। लेकिन इस्लाम जैसे ही हिंदुस्तान में आया और इनके जो फॉलोअर थे हिंदुस्तान में आए, इन्होंने मोरालिटी की सारी हदें पार कर दी। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर रात को हमला किया गया, और वो भी तब जब संधि हो रही थी दोनों गुटों में, और संधि रात को 12 बजे साइन हुए, और उसके बाद 1 बजे जब सारे सैनिक सो रहे थे पृथ्वीराज चौहान के, तो उन्होंने गाजर मूलियों की तरह काट दिया। इनकी क्या मोरालिटी है, इनको क्या मोरल आप समझते हो। और समीर ने जिस तरह से ये सारी चीज़ें बताई और कहा कि जो भगवान है अल्लाह, जिसको बोलते हैं अल्लाह, वो थर्ड पर्सन है, मतलब वो फर्स्ट पर्सन नहीं है, वो मतलब किसी और की बात की जा रही है। और वैसे भी शुरू में आता है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो मतलब किस अल्लाह के नाम से शुरू क्यों करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई और आप सारे समझ सकते हैं जो मैंने चीज़ें आपको रखी हैं, अपने पॉइंट रखे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इससे कुछ ना कुछ जान गए होंगे, कुछ ना कुछ सीख गए होंगे, हम भी सीख रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि कोई तो आए जो मतलब सही चीज़ बताए और ह्यूमैनिटी की तरफ लेके जाए। मुझे लगता है कि जहां मानवता चीज़ है वहां पर जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। और जो मैं वैसे ऐसा नहीं कहता कि सब लोगों को सनातनी हो जाना चाहिए, वैसे लोग अगर आप धर्म को मान रहे हो, आप सही चीज़ को मान रहे हो, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही सनातनी हो। धर्म का मतलब है सही, अधर्म का मतलब है गलत। धर्म कोई अलग अलग नहीं होते, दीन अलग अलग हो सकते हैं, मजहब अलग अलग हो सकते हैं। और आप इंसानियत में टिके रही है, दूसरों का दर्द समझिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ जो आज मुस्लिम हैं या जो हिंदू हैं, आपस में आप एक दूसरे से बिल्कुल भी नफरतें मत कीजिए, ठीक है। इंसान को इंसान समझोगे ना, अपना दीन अपने घर पे रखिए, अपने जो भी आप भगवान गॉड जितने भी पूजते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर में मूर्तियाँ बनाओ, मूर्ति में भगवान को ढूंढो, भगवान में मूर्ति को ढूंढो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट डजेंट मैटर। वो बोलते हो मुझे एक भगवान चाहिए, एक भगवान चाहिए, ये एक भगवान वाले ही दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो भगवान हर रूप में जो है वो आपके सामने है, आप जिस भी रूप में उस ईश्वर को जिसने ये पूरी कायनात बनाई है पूजोगे वो आपके सामने होगा। और भगवान से जो आपका रिश्ता है वो एक पर्सनल मैटर है, वो आपके घर का मैटर है। आप जब बाहर जाते हो तो अपने जो पर्सनल थिंग है, जो अपनी पर्सनल फीलिंग है, उसको आप पब्लिक मत करो, ठीक है। पब्लिक में आप नमाज़ें मत पढ़ो। हाँ, एक कम्युनिटी है, मान लो अपने अंदर आप कुछ भी करते रहो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे गणेश चतुर्थी या लोग मनाते हैं, आपस में शेयर करते हैं, देखो 50 लोग हैं आपस में रहते हैं, वो आपस में सब सबकी भावनाएं सेम है, सबकी फीलिंग सेम है, तो ठीक है। हाँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है कि भैया बाहर पब्लिक में आप ढोल बजा रहे हो, ज़ोर ज़ोर से स्पीकर्स बजा रहे हो, लाउड स्पीकर पर ज़ोर ज़ोर से वो कर रहे हो, तो वो गलत है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुशी में त्यौहारों में शामिल हो रहे हो तो खुशी से हो रहे हो तो इट्स अ गुड, बट दूसरे के त्यौहार पर पत्थर मारना ये भी ठीक नहीं है। हाँ, शोर शराबा हो रहा है तो आप उसको पीसफुली बोल सकते हो कि ठीक है भाई आप अपना जश्न मनाइए, लेकिन शोर शराबा मत कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त करता हूँ। काफ़ी बढ़िया नॉलेज समीर साहब ने दिया, और जिस तरह से नॉलेज इनको है, तो जैसे एक्स मुस्लिम साहिल जी हैं वैसे ही समीर जी को भी मैं समझता हूँ, काफ़ी अच्छे पर्सन बन गए हैं। ये अब कहते थे बहुत कट्टर होते थे, तो अब इन्होंने काफ़ी दुनिया को जो संदेश दे रहे हैं उससे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। इसी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।